मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता का सौगात के ऊपर सौगात दे रहे हैं। बता दें कि 15 नवंबर का बिरसा मुंडा के जो जन्म दिवस है ओका जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनावा जाए और यही के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है शहडोल पहुंच सका था। शहडोल में पेशा एक्ट के साथ साथ कई सौगात जो है शहडोल के जनता का मिले के उम्मीद की जाला ही एक खातिर एक अहम बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा लीन गई है जो निमा कई नेता बड़े नेता खड़ा शामिल रहे। तमिंद क्षेत्र के पहल पगली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे समझने का प्रणाम कही शुरू कही थे। बड़ी खबर से बताई गई कि 15 नवंबर का बिरसा मुंडा के जन्म तिथि का जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनावा जाए और एक खातिर शहडोल में कार्यक्रम आयोजित हुई है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति वर्ग का कई सौगात दे सका था। बताई गई कि ये कार्यक्रम में कई नेता खड़ा शिरकत करे ही। बताई गई कि जनजाति गौरव दिवस के आयोजन कलय के जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैठक भई है जोने में यह निर्णय लीन कहा है कि शहडोल में जनजाति गौरव दिवस के जो कार्यक्रम है वह बड़े स्तर पर की जाए जहां शिवराज सरकार पेशा एक्ट के साथ साथ एक दर्जन से अधिक जनजाति वर्ग का सौगात दे वाले हैं। बता दें कि साथ प्रदेश के सब जनजाति गाँव में घलाए आयोजन करवावे की व्यवस्था करवाई जा रही है। 15 नवंबर का जनजाति गौरव दिवस में बता दें कि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यही कल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैठक बुलाए रहे जोने में जनजाति वर्ग के सांसद और विधायक खलाए मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के तैयारी और बीजेपी से दूर होने वाले जनजाति वर्ग का जोड़े के मंथन में एम बात में कही गई है। बता दें कि अभी का सौगात कहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनता के मेहरबानी कहले या फिर यह कह ली कि जनजाति वर्ग का साधे के बड़ा मुद्दा समझ ली कि कार्यक्रम के बहाने वो जनजाति वर्ग का घलाए साधे के प्रयास कर ही बात चाहे जा हो पर शहडोल का नई सौगात मिल सका थी। शहडोल के जनता खातिर यह अच्छी खबर है। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।